गुजरात में बारिश से 8 मौतें हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल भी फट चुका है और महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। हम आपको बता दें, पुणे में भी स्कूल बंद हो चुके हैं और मुंबई में ट्रेनें लेट हो गई हैं। बता दें, कैंसिल गुजरात में पिछले 3 से 4 दिनों से तेज बारिश का दौर चल रहा है। इससे वडोदरा, सूरत, भरूच और आणंद समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सिर्फ वडोदरा में ही 24 घंटे में 13.5 इंच बारिश हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है और पुणे, ठाणे, रायगढ़ और पालघर में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। सिर्फ पुणे में ही बारिश संबंधित घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। हिमबुम्बई में जल भराव के कारण लोकल ट्रेन 20 से 25 मिनट की देरी में चल रही हैं। मुंबई आने और मुंबई से जाने वाली एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट भी कैंसिल हो गई हैं। वहीं एयरलाइंस ने कहा कि विजिबिलिटी घटने के कारण सेवाएं प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को रिफंड किया जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि मुंबई में देर रात से सुबह तक 100 मिलीमीटर ज्यादा बारिश हुई है। को कल 12:30 के करीब अंजनी महादेव के आसपास क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से सडनली बहुत वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया पागल नाले के थ्रू और वो ब्यास में आगे मर्ज हो गया। इसमें काफी डैमेज हुआ है, 3 घर ऑलमोस्ट वॉश्ड आउट है और 1-2 घरों को और प्रोजेक्ट को और भी डैमेज हुआ। ये जो लोग हैं इनको टेम्परेरी हाउस किया जा रहा है वहाँ के स्कूल में और साथ ही और भी सारा डैमेज इसका असेस किया जा रहा है अभी है, बट वो थोड़ी देर में नॉर्मलाइज होने की एक्सपेक्टेशन है। जो सोलंग के थ्रू हमारा टनल का रास्ता है वो कल के इस वाकये की वजह से अभी बंद है और बीआरओ के हिसाब से इसे ठीक करने में 2 से 3 दिन कम से कम लगेंगे। तो सारा ट्रैफिक ऊपर रोहतांग पास से डाइवर्ट किया जा रहा है वेदर अलॉय, और इसमें क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज को हम प्रायोरिटी देंगे और टूरिस्ट व्हीकल्स को अभी के लिए रोका जाएगा क्योंकि यही रोड 2-वे चलेंगे। फिलहाल है 10 से 20% ही ऑक्यूपेंसी है, जो एक एस्टिमेट है, एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास अभी नहीं है, बट अब रोहतांग के लिए उसको रोकना पड़ेगा क्योंकि हमें 2-वे वॉल्यूम एसेंशियल सर्विसेज का चलाना है। ठीक है ना, तहसीलदार मौके पे है और वो उनके कर रहे हैं।